नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। तेजस्वी और तेज के बीच अब होने लगी है लड़ाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच वर्चस्व की लड़ाई की खबरों पर बीजेपी ने चुटकी भरी है। बीजेपी ने आरजेडी को सलाह देते हुए कहा है कि तेज प्रताप को कम से कम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया जाए। पार्टी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बयानों से पार्टी के भीतर नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं तेजस्वी यादव भी दूरियां बना रहे हैं। दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इधर भाजपा ने पार्टी में खटपट को लेकर राजद और तेज प्रताप पर चुटकी भरी है। बता दें कि 8 अगस्त को राजद के एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें हिटलर तक कह डाला था। तेज प्रताप ने कहा है कि जगदानंद सिंह सब जगह जाकर हिटलर की तरह बोलते हैं। पार्टी कार्यालय का मेन गेट अध्यक्ष की मर्जी से खुलता है और बंद होता है। पिताजी के समय दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत लोगों ने मनमानी शुरू कर दी है। तेज प्रताप यहीं तक नहीं रुके हैं। उन्होंने जगदानंद सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कुर्सी किसी भी बपोती नहीं है। हालांकि भाजपा नेता अरविंद सिंह ने तेज प्रताप के हिटलर वाले बयान की निंदा की है। अरविंद सिंह ने कहा है कि तेज प्रताप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तेज प्रताप का उनके खिलाफ बयान देना सही नहीं है। बिहार भाजपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी हुई है और लालू यादव का बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था, क्योंकि तेज प्रताप बिहार की जनता को अपनी संपत्ति समझते हैं। लेकिन लालू यादव ने तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी की है, इसलिए अब इंसाफ करते हुए उन्हें राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या फिर मीसा भारती को पार्टी की कमान दे देनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि कमान किसके हाथों में आती है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।